अस्सलाम वालेकुम मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ मान में रखे इसी के साथ आज के अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़ अब जो है वो मैंने ना अपने इंट्रो में कोई नहीं वो कहना शहना किसी को भी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि ना तो कोई लाइक करता है और सब्सक्राइबर भी बहुत कम लोग करते हैं इसलिए अब नहीं मैंने ये बट अल्फाज जो हैं वो बोल रहे किसी से भी कि जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दिल करता है तो करो नहीं करता तो आराम से अनसब्सक्राइब करके चले जाओ किसी और की वीडियो जाके देख लो तो बस आज के बाद ये लफज ही नहीं बोलना क्योंकि इतने कम लाइक आते हैं पाँच सात बस इससे ज़्यादा नहीं क्या जाता है आप लोगों का लाइक करते हुए मुझे पहले ये तो बता दें जरा आज कुछ भी नहीं जाता ना तो कोई पैसे लगते हैं ना कुछ इतनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत करते हैं एडिट करते हैं अपलोड करते हैं और लाइक करने वाले इतनी कंजूसी अल्लाह बस अब कहना ही किसी को नहीं है कि लाइक करो शायद ही ना कहने से शायद किसी को ख़्याल आ जाए कि लाइक कर दें तो बस अब सोच लिया कि लाइक ही नहीं करवाना तो ये देखें जी जो नया कप लेके आई थी उसी के अंदर मैंने चाय बनाई है और चाय बनाने के बाद मैं अपने कप में पीऊँगी और एल डी गई थी जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ना पे, वो जो ड्राइंग टैब था वो ख़राब निकला था तो वो वापस करने के लिए गई थी तो मैंने और ली गई कोई नहीं मैंने आराम से जो है ना ये दो पौधे उठा के वहाँ से ले आई हूँ मैंने कहा चलो घर से जाएंगे टैब का कैब बच्चों ने दो दफ़ा फेंकना है और तीसरी दफ़ा उसने काम वो इतना नाजुक सा था, था ना मुझे तो लगता था कि अब वो कोई भी नहीं ठीक होगा मैंने वो वापस कर दिया मैंने कहा अभी दस यूरो ज़ाया करने वाली बात है और उठा के ले जाऊँ वो भी ना चले तो मैं ना आराम से चुप करके वहाँ से जो है ना ये दो पौधे उठा के ले आई हूँ और मैंने कहा चलो घर में रखेंगे और सजाएंगे घर को तो वैसे ही पौधे जो है ना वो रखने का मुझे तो वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक़ है तो इसके एक के ऊपर शॉपर लगा हुआ था इसको उतारेंगे और ये ना मैंने कुछ दिन पहले एक मार्केट में गई थी वहाँ से ये मैं लेके आई थी गमले टाइप ना तो इसके अंदर रखूँगी क्योंकि ये जो पौधों के गमले ना इसके नीचे जो है वो सुराख होते हैं तो पानी वगैरह जो है ना वो नीचे ना गिरे तो ये बगैर सुराख वाले हैं तो इनके अंदर रख के ना तो आराम से इनको ना खिड़कियों में रखूँगी और फिर इनकी ना कोई अच्छी सी प्यारी सी जो जगह है ना वो सेट करके तो उसके अंदर रख दूँगी जब मैं मार्केट गई हूँ ना जब गाड़ी में बैठ गई हूँ तो याद आया कि फ़ोन तो घर ही रह गया और फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने कहा चलो अब खैर रह गया घर अब नहीं मेरे से गाड़ी से उतर के जाया जाता घर जाओ और मोबाइल लेके आओ अगर मैंने हस्बैंड को बोल दिया ना कि मेरा फ़ोन जो है वो घर रह गया तो मैं अब जो है वो जाके घर से फ़ोन ले आऊँ तो उनसे पक्का जो है ना वो डांट पड़ जानी थी इसलिए मैंने बोला ही कोई नहीं मैंने कहा चुप करके ऐसे ही चले जाते हैं एक दिन कोई वीडियो भी नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं तो यहाँ पे जो है ना वो दो दिन छुट्टी थी और आतवार वाले दिन भी सारी मार्केटें बंद और जब क्या कहते हैं सोमवार वाले दिन भी यहाँ पे सरकारी छुट्टी है तो हर चीज़ बंद थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जो जो चीज़ लेनी है ना ले लो मैंने कहा कोई नहीं इतनी कोई नहीं वो पड़ी हुई ज़रूरत है कि अगर कोई चीज़ नहीं होगी तो गुजारा नहीं होगा नहीं भी होगा ना तो एक दिन हम लोग जो है वो बड़ा सा, अच्छा सा जो है ना वो गुजारा कर लेंगे तो कोई नहीं मैंने इतना ख़ास कोई ग्रोसरी बस वो मैंने टैब वापस करना था वो मैंने वापस कर दिया था तो उसके बाद जो है वो फिर ये देखे मैंने जो पीछे क्लिप दिखाया है मैंने अपनी खिड़की में जो है ना वो बड़े खूबसूरत तरीके से सजा के तो दोनों गमले वहाँ पे रख दिए हैं अब अल्लाह करे ये जो है ना ये सूखे ना मेरे तो इतने पौधे सूखते हैं पता नहीं क्या है कोई समझ नहीं आती मैंने तो इतने पौधे ला ला के रखे ना और मेरे सूख जाते हैं तो बाकी जो है वो मैंने घर के भी सारे काम शाम खत्म कर लिए थे सफाइयाँ वगैरह भी कर ली थी दोनों बच्चों को आज जो है ना वो मल मल के जो है वो लाया है शुक्र है हमारे जो है ना वो हीटर वगैरह चले हैं घर के तो मैं डरते हुए नहलाती ही नहीं थी छोटी बेटी को तो खा वो सारा दिन नीचे फ़र्श पे घूमती है तो मैंने कहा इतने ठंडे तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने डरते हुए इसको ना दो तीन दिन से ना नहलाया ही नहीं था तो आज मैंने दोनों को ना टाइम निकाल कर बड़ा रगड़ रगड़ कर नहलाया है और आ, साथ में जो है ना अब मैं बनाने लगी थी चिकन और वेजिटेबल काटने लगी हूँ तो आज मैं बनाऊँगी रैप तो पाकिस्तान में जिसको शवारमा कहते हैं वो वाला बनाऊँगी तो यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन जो है वो पकने के लिए रख दिया था उसको काटा है बरीक बरीक पीस किए हैं उसके नॉर्मल जो साइज़ होता है उसमें अब जो है वो खीरा प्याज टमाटर शिमला मिर्च जो जो कुछ मिला ना मैंने सारा कुछ काट के तो सलाद बना लिया और अब जो है वो मैं खीरा काट रही थी साथ में वो देखे मेरा गोश्त भी पक रहा है मैंने कहा जरा जो है ना वो शाम में जरा डिफरेंट सी चीज़ बना लेती हूँ और रोटी तो रोज ही खाते हैं रोज ही सालन भी खाते हैं रोटी भी खाते हैं तो मैंने ना आज रैप बना लिए थे ये आज घर पर थे इनकी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इन्होंने ना काम से छुट्टी कर ली जुकाम वगैरह हुआ था थोड़ा बहुत ना फ्लू और जिसम में दर्द वगैरह तो मैंने कहा चलो आज ना आपको डिफरेंट चीज़ बना के देती हूँ जब ये घर होते ना फिर मेरा दिल करता है कि कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करूँ ना तो जो पहले कभी नहीं बनाई जब ये घर पर नहीं ना होता तो मैंने भी अकेले दिल ही नहीं करता ख़ुद के लिए कुछ बनाओ तो मैंने कभी नहीं बना के खाई कोई ऐसी वैसी चीज़ ना तो मैंने कहा चलो आज जो है ना वो बना लेती हूँ ये चिकन के जो हैं वो रैप तो ये देखें ये रोटियाँ मिल जाती हैं बनी बनाई इनको बस थोड़ा सा गर्म करो उसमें चिकन का टमाटो पेस्ट पेस्ट लगा लो या टमाटो कैचअप लगा लो साथ में मायोनीज लगा के तो इसके ऊपर चिकन और सलाद रख के इसको रोल करके वो पाकिस्तान में ना जब छोटे होते थे अम्मी जो है ना वो रोटी के अंदर चीनी और देसी घी या मक्खन वगैरह लगा के ना तो वैसे रोल करके और पंजाबी में हमें तो इसको पूनी कहते थे अब पता नहीं वही रोल ही जो मॉडर्न नाम जो है वो रोल बना के देती थी तो वो सारा दिन दिन में जब कभी भूख लगती तो अम्मी आराम से बना के देती दे थी तो हम लोग तो वही खाते थे अब थोड़े से मॉडर्न हो गए अब यह है कि वो चीनी और घी वगैरह तो अब कोई खाता नहीं है अब ये है कि कैचअप लगा दो मायो लगा दो चिकन लगा दो साथ में खीरा वगैरह लगा दो और हमें जो है ना वो रोल बना के दे दो तो आजकल तो ये वाले रोल चलते हैं पहले हमारे ज़मानों में तो वो चीनी और घी वाले रोल चलते थे तो यहाँ पे रोटी को गरम किया गरम करने के बाद हल्का सा तंदूर के ऊपर ही मैंने गरम कर लिया है उसके ऊपर जो है ना वो मैंने ये फोलिया लगा लिया था, था ताकि रोटी जो है ना वो तंदूर के साथ ना चिपके तो यहाँ पे इसमें मैंने टमाटो पेस्ट और टमाटो पेस्ट कह रही हूँ टमाटो कैचअप और साथ में मायूनीस लगाइए इसको अच्छी तरह जो है ना वो सारे साइडों पर लगा के चम्मच की मदद से अब इसके ऊपर जो है वो सलाद वग़ैरह डालूंगी और चिकन डालूंगी और इसको ना रोल कर लूँगी और जितने मुझे ज़रूरत है ना एक मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया था तो उसमें ना मैंने ये प्याज वग़ैरह नहीं डाले थे ना ही मैंने शिमला मिर्च वगैरह डाला बस चिकन और खीरा क्योंकि खीरा वो खा लेती है प्याज वगैरह वो नहीं खाती ना तो एक उसके लिए बनाया था तो माशाल्लाह से उसने आधे से ज़्यादा तकरीबन खा ही लिया था तो बाकी जो है वो दो दो अपने लिए बनाए थे तो हमारा जो है ना वो शाम का खाना हो गया था फिर मैंने कहा अगर रात को आपको भूख लगेगी ना तो फिर मैं आपको रोटी वगैरह साथ में बना दूँगी तो सालन के साथ ना रोटी बना दूँगी अगर आपको भूख लगी नहीं तो आज तो यही खा लेंगे लेकिन ये बहुत हल्के फुल्के होते हैं इतने वो नहीं होते भूख तो लग ही जाती है तो मैंने कहा शाम को फिर आपको ना रोटी बना दूँगी जब रात को अगर भूख लगी तो खाएँ खानी हो ना तो यहाँ पे अब दूसरा जो है वो बनाने लगी थी इसी तरह जो है ना वो मैंने पाँच छः बना लिए थे और फिर बैठ के हम लोगों ने आराम से खाना खा लिया तो ये ना घर में बैठ बैठ के जो बंदा काम करता है ना वो तो वैसे ही घर में बैठ बैठ के तंग आ जाता है तो ये रैप वगैरह बना के ना खा के तो मुझे कहते हैं चलो कहीं बाहर चलते हैं ना बाहर या कहते हैं तो या कहीं चलते हैं तो फिर मैंने कहा कि दूध ख़त्म हुआ है जो फ्रेश दूध ले के आते हैं ना डेरी फार्म से तो देख लें अगर वो ले कर आना तो वो ले आते हैं नहीं तो वाक करके आते हैं तो कहते हैं चलो आ, वो ही ले कर आते हैं दूध ही तो खाना शाना खा के ना हम लोग निकल लेंगे दूध ले कर आएँगे और आप लोगों को भी दिखाऊँगी तो साथ में बच्चों को लेके भी कोई नहीं आई सुबह बा, से बाहर गई थी बस जब हसबैंड जिस दिन घर पे हो ना तो कोई काम कसम से ख़त्म ही नहीं होते हालांकि कहते बेचारे कुछ भी नहीं है ना कुछ कहना है लेकिन ये है कि काम ही सारा दिन ख़त्म नहीं होते मेरे तो पता नहीं यही हिसाब है पता नहीं बाकियों का मुझे नहीं पता तो यहाँ पर ये यह देखें हमारे रैप जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो गए थे तो एक मेरी बेटी का और दो दो हमारे ये छोटी छोटी रोटियाँ इतनी बड़ी रोटियाँ नहीं तो बिल्कुल छोटी छुट छोटी जितनी मैं रोटी बना दूँ ना उससे मुझे लगता है उसकी जो है वो दो या तीन उससे रोटियाँ बन जाएंगी ये इतनी बहुत बारीक कागज़ की तरह और बहुत छोटी छुट छोटी सी रोटियाँ थी तो खा खो के ना शाम को मुझे कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं और ना ये पता क्यों इतनी तेज से चाह रहे थे कि हमारी वीडियो ना बनाए इनको वीडियो से इतनी चीड़ है ना कसम ये मुझे अपनी वीडियो नहीं बनाने देते और साथ में जो है ना वो बड़ी बेटी जो है वो देखा कैसे उसकी छोटी बेटी की जो है ना वो सीट को पकड़ के मैक्सी को पकड़ के तो साथ साथ चलती है वो इतना मज़े से मामा गाली खो दो, मामा तो चाबी मेरे पास थी तो मैंने जो है ना वो गाड़ी का लॉक वगैरह खोला है और लॉक खोल के तो हम लोग निकल निकल नहीं लगे थे तो इनको याद आया कि मेरा वॉलेट जो है वो घर पे रह गया मैंने कहा चलें जाएँ अपना वॉलेट लेके आए और ये देखिए ख़ज़ा का मौसम आया बस थोड़े दिन जो है ना वो ठंडी हवाएं और ठंड पड़ी है ना तो दरख्तों के पत्ते सूखने शुरू हो गए और इतने प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं तो हम लोग गाड़ी में बैठ के ना इसके बाबा का इंतजार कर रहे थे वो घर गए हैं और घर से ना जाके वॉलेट लेके आए हैं वो देखें वो आ रहे हैं वो वॉलेट लेके आ रहे हैं और छोटी बेटी को मैक्सी में लगाया है बड़ी बेटी जो है वो अपनी सीट में मज़े से आराम से बैठी है और हम लोग जो है ना वो इनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये देखें ये आ गए हैं और आते ही ना इन्होंने सबसे पहले ये की यही बात करो तो बंद करो फ़ोन को <laughs> इनका बस यही एक होता है तो ये देखें कितना प्यारा प्यारा जो है ना यहाँ पे सीन है और ये दरख्त देखे इसके ऊपर पत्ते जो हैं वो रेड थे नीचे येलो फिर ग्रीन इतना ये ख़ूबसूरत लग रहा था ना वीडियो में मुझे नहीं लगता कि इतना ख़ूबसूरत लग रहा था जितना ये रियल में लग रहा था ये देखें दरख्तों के ऊपर ना कुछ सूरज जो है ना वो गरूब होने वाला है तो दरख्तों के ऊपर जो है रोशनी पाड़ी थी और, और ज़्यादा जो है ना वो पत्ते पीले होने के बाद जो है ना वो और ज़्यादा ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लाग रहे थे तो ये देखें शाम बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर बाहर का मंजर था धूप भी थी बादल भी थे और साथ में जो है ना वो प्यारे प्यारे जो हैं वो सीन और प्यारी प्यारी जो है ना वो आपके साथ जो है वो शेयर तो कर रही हूँ तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा ना वाकई बाहर निकलने से ना थोड़ा सा माइंड जो है ना वो फ्रेश हो गया था तो थोड़ा दूर ही बन जाता है आठ दस किलोमीटर तो हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी सी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी पाकिस्तान में तो लोग जाते हैं लॉन्ग ड्राइव पे यहाँ पे कोई नहीं लेके जाता कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे कहते हैं यहाँ से तो काम तो थक के हमने नहीं लेके जाना तो हम लोग जो है वो अब वहाँ पर पहुँच गए मेरी बेटी जो ना वो जानवरों को देख के इतना खुश हो रही थी और ये पीछे जो कट्टे बच्चे हैं ना ये बोल रहे थे तो ना ये उनको कह रही थी कि चुप कर जो बेबी सो रही है वो ना जो छोटी बेटी है ना वो मेरी सो गई थी तो ये कह रही थी कि चुप कर जो बेबी से मुझे इतनी हंसी आई मैंने कहा कसम से बच्चे कितने मासूम होते हैं इनको क्या पता कि चुप करना क्या होता है और क्या नहीं होता तो ये देखे हम लोग जब बाहर निकले ना तो बाहर इन्होंने गाय जो है ना वो ऐसे खुली मैदान में छोड़ी हुई थी मैंने कहा थोड़ा सा ये वाला एरिया भी आगे जा के देख के आते हैं तो इतना खूबसूरत ये एरिया था ना इतना साफ सारा जो है ना वो जर्मन लोगों का जो है ना वो इलाका था बहुत खूबसूरत ये वाला एरिया था तो आ, मेरी बेटी जो है ना वो इतनी प्यारी प्यारी वो उसको बार बार कही चुप कर जो चुप कर जो वो छोटे जो बछड़े थे ना वो बोल रहे थे तो उनको बार बार कह रही थी कि चुप कर जो छो, छोटा बेबी जो है ना वो सो रहा था तो दूध शूध ले के तो हम लोगों ने गाड़ी में रख लिया अब लोग हम लोगों ना जरा इधर उधर थोड़ा सा ये घूमने फिरने के लिए बाहर निकले हैं कि ये इलाका थोड़ा सा ना घूम के आते हैं कि किस तरह का है और कैसा है ये वाला इलाका ना तो बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरी यहाँ पे ना बिल्डिंगे और खूबसूरत इलाका पहाड़ी इलाका है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई थी कि इतनी नीचे को जा रहा था और ऊपर से मौसम इतना प्यारा ऊपर से शाम का टाइम था बहुत मज़ा आया बाहर निकल के ना थोड़ा सा माइंड जो है वो हमारा जो है ना मेरा तो जो है वो फ्रेश हो गया था तो इतनी ठंड भी नहीं थी नॉर्मल मौसम था क्योंकि कभी धूप निकल आती थी कभी बादल वगैरह निकल आते थे तो सारा ये थोड़ा थोड़ा एरिया देख के ना तो अब जो है वो हम लोग वापस घर की तरफ निकल पड़े हैं तो घर जाते हैं घर जाके जो है ना वो बाकी फिर अपने जो काम है वो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आप लोगों के साथ अपनी जो है ना वो बाकी वीडियो इंशाल्लाह बाकी बाद में शेयर करेंगे तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें मुझे तो इजाज़त मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़